संस्था के नाम का प्रवासी एकता मंच और प्रवासी एकता मंच के संरक्षक जय जय राम सिंह जी और ये संस्था के महासचिव जी अच्छा बात अच्छा लगता अच्छा लगता महासचिव संदीप सिंह जी अनुज सिंह जी विश्व विजय झा जी रत्नेश तिवारी जी प्रभाकर जी कैप्टन विजय जी और जो अभी आपके समक्ष जो अपनी बात रख रहे थे वो जगदीश्वर जगदीश गोवर्धन जी है। वैसे तो जगदीश गोवर्धन जी भारत में मॉरिशस के हाई कमिश्नर हैं, लेकिन उनकी 200 साल पहले इसी भारत के आजमगढ़ के गांव से ये लोग समंदर में बैठ करके गए थे मजदूर बन के, अब मॉरिशस के प्रधानमंत्री के दूत हैं, यही लोग वहां पे शासन कर रहे हैं। दुनिया का एक सुंदर सा देश महा हमारे मॉरिशस, हम हर साल मॉरिशस जाइला, वहां गाना गावे जाइला, मॉरिशस होके सुरीनाम होके फिजी होके ट्रिनिडाड होके ये सब देश में यही हमारे भारत के कोई बात नहीं आप आराम से बैठिएगा भाई। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि आप लोग आराम से बैठे रहे और यहाँ के एलईडी खराब हो रहा है, अरे भाई जल्दी ठीक कर, मशीन ठीक रहे के चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, अब मशीन तो मशीने बा भैया, हो सकेला कि ऊपर कोनो तार खराब हो जाए तो थोड़ा देर बर्दाश्त कर लिया जाए, बैठ जाइए जा अपने जगह पे बैठ जाइए, जो इंजीनियर लोग हैं अपना काम करेंगे। और मैं राव नरवीर सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था में बहुत योगदान किया है। हमारे भाई राव नरवीर सिंह जी जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री है और यहाँ के जो विधायक हैं गुरुग्राम के उमेश अग्रवाल जी, उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, उनका भी योगदान बहुत है, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा देंगे। हम लोग तो उस समाज के लोग हैं कि जो भी हमारे लिए खड़ा होता है हम उसके लिए जान लड़ा देते हैं, उसके लिए कुछ भी किसी स्तर तक जाते हैं। अब देखिए इस मंच पे मनोज जी मनोज भाऊ जी कार्यक्रम के संचालक